तो गाइस ये है यहाँ की जेल। हो गया हो गया, महाराजा हो गया। ये लिखा भी हुआ टाउन जेल, बहुत ज्यादा छोटी जेल है। यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय व्लॉग। टाइम की तरफ देखो तो सुबह 9 बज रहे हैं और निकलना मेरे को यहाँ से। चश्मा वगैरह भी डाल देते हैं। और एक बार फिर से गाइस जाने से पहले कमरा अपना पूरा सेट हो चुका है और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख लेना, ओ भाई साहब एकदम क्यूट क्यूट मस्त मस्त जगह है। देख रहे हो पूरे पुराने स्टाइल की बनी हुई है। उधर भी यहाँ से गार्डन बना हुआ है पूरा, यहाँ पे जा सकते हो। और सारे कमरे हैं, ठीक है ना, सारे कमरे। बहुत छोटा सा होटल है और बहुत क्यूट सा होटल है। ये मेरा फेवरेट है, देख रहे हो। टर्टल एक्चुअली स्टोन का बना है क्या, मैं चेक करूँ तो। ओके स्टोन का नहीं, प्लास्टिक का बना है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मस्त है। और यहाँ से बाहर का व्यू देखे तो वाह जी वाह। ओके ठीक उस तरफ पड़ता है एलए और ये रोड पकड़ के हमें जाना है आज एलए तक। और अभी थोड़ी सी ड्राइव करने के बाद गाइस लिटरली 10 मिनट ड्राइव करने के बाद हमें एक छोटा सा टाउन ट्रैक्स करना है, पायनियर टाउन ऐसे कुछ नाम था। और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता लगा कि ये वही टाउन है जहाँ पर मोस्टली हॉलीवुड की वाइल्ड वेस्ट टाइप की मूवीज होती है ना, जहाँ पे ऐसे 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 बंदूक निकाल के ऐसे मारते हैं, वो मोस्टली यहाँ पर शूट होती है। ये जगह देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर विलन लोग शराब पीते होंगे, बिल्कुल वही लग रहा है। गाइस ये चर्च देख रहे हो, कितना छोटा, कितना प्यारा और कितना एपिक लग रहा है यार। मेरे को अंदर से भी देखना है, बट अंदर से मैं देख नहीं सकता क्योंकि सिर्फ संडे को 10 बजे खुलता है और आज संडे नहीं है, तो मैं अंदर से चेकआउट नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल मूवी टाइप लग रहा है यार। ये वाला घर मेरे को हीरो का लग रहा है जो कि विलन से बदला लेने जाएगा 20 साल बाद। ये वाला घर मेरे को हीरोइन की माँ का लग रहा है जो कि फार्मिंग करती थी। मैं अपने आपसे बोले जा रहा हूँ यार। ये वाला घर मेरे को गांव के जमींदार का लग रहा है जिसने पूरे गांव वालों की जमीन इलीगल टाइप से हड़प ली। और ये वाला घर बिल्कुल गांव का पुलिस स्टेशन लग रहा है। और ये गांव का वो घर है जहाँ पर रात को 3 बजे भूत दिखाई देते हैं। सबसे अजीब बात पता है मेरे को क्या लगी? सबसे अजीब बात ये है कि यहाँ पर एक्चुअली लोग रहते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा टाउन बना हुआ ना, ये एक्चुअली यूज भी होता है। ये देखो मेरे सामने पोस्ट ऑफिस बना हुआ है और अभी डाकिया आया इस गाड़ी के अंदर और यहाँ पर चिट्ठियाँ पोस्ट की यहाँ पर, और ये लोग चिट्ठियाँ जो है लोकल टाउन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मैं ये भूतिया घर के अंदर झांक के देखूँ तो भाई साहब, ओके ये वाला थोड़ा बहुत खाली लग रहा है, अबैंडन लग रहा है मेरे को। और इसके अलावा जितने भी घर हैं, जितने भी दुकान है, जितने भी ऑफिस हैं, सारे भरे हुए हैं। अभी मैं आपको छोटा सा टूर करवाता हूँ एक। तो गाइस ये है यहाँ की जेल। हो गया हो गया, महाराजा हो गया। तो ये लिखा भी हुआ टाउन जेल, बहुत ज्यादा छोटी जेल है। अगर मैं आपको अंदर से जाकर टूर करवाऊं तो उत्तरी अंदर घुसते ही खत्म हो गई। तो ये थी यहाँ की जेल। आप बिलीव नहीं करोगे, ये छोटी सी जगह, ये होटल है, ठीक है, यहाँ पे होटल है ये, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख रहे हो होटल। ये होटल जेल से छोटा है। ये देखो पुराने जमाने की ट्रेन लाइन कितनी छोटी थी, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की माइन कार्ट आई है। एक्चुअली में वही साइज है माइनक्राफ्ट की माइन कार्ट का। सारी रॉबरी अंदर ही होती होंगी बैंक के अंदर। तो बैंक वाले ने ब्रोज अपना छोटा सा शॉपिंग सेंटर बना के रखा हुआ है। अगर आपको दांतों में प्रॉब्लम पड़ रही है तो आपको यहाँ पर आना है, और बाल वगैरह कटवाने हैं तो ये छोटी सी दुकान बनी हुई है, यहाँ पर आप आ सकते हो। भाई 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 मेरे को तो बर्गर दिख रहा है, ये आपको पता नहीं क्या दिख रहा है लेकिन मेरे को लिटरली बर्गर दिख रहा है। ओह माय गॉड। तो गाइस ये चिकन है, ये वाला, ये काला चिकन है और चिकन का कंपैरिजन देख रहे हो। हाँ ये टर्की लग रहा है मेरे को। हेलो चचू। ओके ब्रो फालतू पंगा नहीं लेते, पीछे पड़ गए ना तो भागने का रास्ता ही मेरे को नहीं पता। यहाँ पर काफी मस्त जगह यार। अब एक्चुअली वहाँ पे टाइम टेबल दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि कब कब मूवी की शूटिंग होने वाली है, और अच्छा हुआ हम लकी हो गए कि आज शूटिंग नहीं हो रही। अगर आज फिल्मिंग वगैरह चल रही होती तो शायद हमको अंदर आने भी नहीं देते। अभी चलते गाड़ी के अंदर, थोड़ा बहुत खाना पीना पकड़ते हैं यार, बहुत भूख लग रही है मेरे को। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले गाइस यहाँ पर एक छोटा सा बार बना हुआ है, वहां से कॉफी लेते हैं यार। हा। बहुत ज्यादा भूख लगी है मेरे को, अभी कुछ नहीं सुनना, मेरे को सिर्फ खाना देखना है और खाना खाना है। खाने पीने की बहुत ही जबरदस्त जगह मेरे को मिल चुकी है, देख रहे हो, एकदम बाहर बैठ के धूप के अंदर बर्गर खाएंगे, वो भी वेज वाला बर्गर। अपना बर्गर कितना टेस्टी लग रहा है। और ये रहा मारियो का बर्रिटो, ये क्या है, खरगोश का खाना। गाइस जाके गाड़ी कितनी बड़ी है, ये अपनी गाड़ी है और ये ट्रक है। भाई साइज देखा गाड़ी का, भाई बहुत है। इमेजिन मैं शॉपिंग सेंटर जा रहा हूँ अपने लोकल, और वहां पर मेरे को एक गाड़ी पार्क करनी है, हैंस की 10 गाड़ियों की जगह मेरे को लेनी पड़ेगी। ओ मजा आ गया यार, खाना पीना एकदम जबरदस्त था। और अभी मेरे ख्याल से अभी 2 घंटे की ड्राइव है टू एलए। और ब्रोस अभी हम आ चुके हैं एलए के अंदर। आप पता नहीं ये व्लॉग कब देख रहे हो लेकिन आज है 14 अप्रैल, मतलब कि विसाखी वाला दिन। तो इसका मतलब ये कि गुरुद्वारा जाना तो एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा एलए का गुरुद्वारा, होटल के पास में ही था, सिर्फ 10 मिनट लगे ड्राइव करने में और हम यहाँ पर आ चुके हैं। यार
यार गुरुद्वारा साहब आकर ना एकदम मजा आ गया। लगता है कि अपना अपना फील लगता है यहाँ पर भी। अभी निकलते हैं, अभी प्लानिंग पता है क्या है, अभी हमें एक बेसबॉल की गेम देखने जाना है जिसका मैच शुरू होने वाला है शाम को 7 बजे। हर एक बार फिर से आप बिलीव नहीं करोगे, बादल आ चुके हैं, ये मेरे पीछे ही होते हैं बादल भी। तो गाइस जहाँ पर हमको गेम खेलनी है ना वो स्टेडियम आ चुका है। स्टेडियम का नाम है डॉजर स्टेडियम। हर एक बॉल पे छक्का पड़ेगा आज। तो गाड़ी हमने पीछे पे पार्क करके रखी हुई है और अभी वॉक करके जाना है स्टेडियम के अंदर। और दूसरी बार मैंने गाइस चेक की, ये जो पहाड़ देख रहे हो ना वैसे पहाड़ तो नहीं है, छोटे से हिल है। इस हिल के पीछे है द सिटी ऑफ एलए, मतलब की लॉस सैंटोस। बिल्कुल गेम की तरह भाई, मैंने मेज बैंक देखा, एक्लिप्स टावर देखा और मेरे को लगा कि वहां पर तो अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं, मतलब क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रह सकता हूँ। फिर मेरे को लगा कि नहीं वो सारा गेम के अंदर है, रियल लाइफ में नहीं है। लेकिन हम वो सिटी कल चेकआउट करेंगे, मेरे को देखने की कितनी मिलती जुलती है गेम से। सबसे पहली बात बेसिकली ये है कि मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ कोई गेम देखने के लिए, वो भी स्टेडियम में। और दूसरी बात, मेरे को लगा था कि इन दोनों को गेम खेलनी आती होगी, गेम्स के रूल वगैरह पता होंगे, इनको कुछ नहीं आता। ये तो नाम पहली बार सुन रहे हैं। गेम के रूल तो दूर की बात है, इनको तो ये भी नहीं पता कि कौन सी टीम किसके साथ खेल रही है। फोटो तो ऐसे खिंचा रहे हैं जैसे सबसे बड़े फैन यही हो। आई थिंक ये ब्लू वाले डॉजर्स टीम के बंदे होंगे। और अभी कल हम आ चुके हैं सुविनर की दुकान के ऊपर। भाई मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता। और मारियो आते दो बोले ले रहा है, वो भी बेसबॉल वाली। तो ये गाइस मारियो के दो बोले, ये एक अपने लिए ले रहा है और एक अपने ग्रैंडडैड के लिए ले रहा है। मैंने इससे पूछा कि क्या तेरे दद्दू को बेसबॉल खेलनी आती है, कहता नहीं। होली शिट भाई साहब, ओके हमारी सीट यहाँ का है, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। तो या ये नहीं गाइस बेसबॉल गेम, वो भी फर्स्ट टाइम मैन। गाइस ये देखो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बंदा बॉल डाल रहा है और ये बंदा हर एक बॉल के ऊपर छक्का मार रहा है, देखना। एंड पहली बॉल बाउंड्री, पहली बॉल बाउंड्री पार, 6 रन किए। लोगों को आईपीएल में लो भाई, ये तो आज ये खाने पीने के लिए आया, गेम देखने के लिए आया। सीट नंबर है 21 RS और ये रहा 21 और अभी हमको जाना है लाइन नंबर 5 में। ये ऊपर है, हाँ देख रहे हो फ्रेश मिट्टी डाली जा रही है वहाँ पर। वो चाची सब्सक्राइब लिख ले वहाँ पर मिट्टी से। हम ना थोड़े बहुत लकी हो चुके हैं क्योंकि आज डॉजर्स की पहली गेम है, तो गेम के बाद यहाँ पे फायरवर्क्स भी होंगे, फुल मजा आने वाला है। सारे कमेंट्री करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े बड़े कैमरास लेके। ये देखो मामा, अगर कमेंट्री करवानी तो मैं आ सकता हूँ, चुका के बंदे ऐसी कमेंट्री करेंगे ना पूरा स्टेडियम मिल जाएगा। उत्तरी उत्तरी 5 स्टार प्लीज, 5 स्टार। ये देखो 5 स्टार। क्या ये पहली बार पर छक्का मारेगा? I'm not sure. देखते हैं। And open the yard. Holy shit! Yeah! गाइस उनकी टीम की बारी खत्म हो चुकी है, अभी अपनी टीम खेल रही है, right? Man, we are losing. Our team is losing. Look at Mario. और गाइस पूरी गेम अपनी खत्म हो चुकी है, एकदम फुल ऑन मजा आया मेरे को। अनफॉर्चुनेटली गाइस अपनी टीम मैच हार गई, लेकिन एंड में जो फायरवर्क शो था एकदम टोटली एपिक और ऑसम था यार। मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ, खाना पीना हमने वहां से लिया। ये जो शॉप किधर गई, ये नई दुकान थी जैक इन द बॉक्स, तो यहाँ से हमने खाना पीना पकड़ा हुआ है। लेकिन रात के लिए हमारे पास पानी नहीं है, तो यहाँ से पानी पकड़ लेते हैं शॉप के अंदर से। ब्रो पानी अपना सॉर्ट आउट हो चुका है, ये रहा और बिल्कुल सामने दुकान थी, ये दुकान है और इस तरफ है अपना होटल। मैं तो एक्चुअली एक बोतल लेने आया था, पूरा पैक ही चेक लिया। अब मेरे को पता ये आज भी चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, तो इतना काफी है यार। कमरा नंबर 203, लेट्स गो। ये रहा मेरा बेड, ये रहा मारियो सिल जाएगा बेड। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में। बाय।